दोस्तों, जीवन में ईश्वर से नहीं बल्कि खुद से डरो, क्योंकि पाप आप करते हो, ईश्वर नहीं। और किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। और दोस्तों, क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब आपका गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। और भरोसा खत्म हो जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता, ये वो कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। और अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने की कोशिश ना करें। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। और दोस्तों, बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। और कुछ चीजें कमजोर हिफाजत में भी महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। और जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। और दोस्तों, कोई अपराध किसी वजह से ना करना, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी लेकिन अपराध नहीं। और नेकी किसी तकलीफ के डर से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी मगर नेकी नहीं। और जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छा ही नजर आ जाए। और दोस्तों, जीवन में उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया है। और कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखे। और सख्त हाथों से भी छूट जाती है कभी उंगलियां, रिश्ते जोर से नहीं एहसासों से थामे जाते हैं। और बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। और ज्ञानी होने से शब्द समझ आने लगते हैं, और अनुभवी होने से शब्दों के अर्थ। और कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, चाहे वक्त हो, पैसा हो या कोई रिश्ता। और उसी रिश्ते की उम्र लंबी होती है जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं परखते नहीं। और ज्ञान धन से अधिक उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। और खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन आपके जैसा बनना लोगों का सपना बन जाए। और किसी का बुरा करते वक्त याद रखना कि वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो सीधा सजा देता है। और धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, हमारे धर्म का नहीं। और दोस्तों, कितना अजीब है ना ये सिलसिला कि महंगे जूते वही खरीदते हैं जिनको बहुत कम चलना होता है, और जिनको बहुत अधिक चलना होता है उनको सस्ते जूते खरीदने में भी कई बार सोचना पड़ता है। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आजमाना अपनी यारी को पतझड़ में मेरे दोस्त, सावन में तो हर पत्ता हरा नजर आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।